नमस्ते भाइयों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, और मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट बस्सी साइनिंग इन। तो डाइट में बनने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं कोई स्टेरॉइड, कोई प्रोटीन शेक, कोई सप्लीमेंट, कोई आफ्टर वर्कआउट, कोई प्री वर्कआउट नहीं लेता, और आपको सजेस्ट करता हूँ लेना भी नहीं चाहिए क्योंकि उससे जितना दूर रहो उतना कम है। अब आते हैं 3 टाइम के खाने पे। ब्रेकफास्ट में मैं लेता हूँ, डिपेंड करता है, जैसे हल्का बनना है, जैसे पोहा। मेरी बॉडी के लिए तो हल्का है, ठीक है, मेरी बॉडी के लिए हल्का है आलू के पराठे या कुछ भी, कुछ भी, या ब्राउन ब्रेड, सैंडविच, बर्गर या एक्स वाई जी, कुछ भी बना है। लेकिन उसके बाद मैं इंश्योर करता हूँ कि मैं इसको बर्न कैसे करूँगा, जो मैंने खाया है, जो मेरे टमी में है, उसको मैं वो डाइट में, मतलब उसको मैं डाइजेस्ट कैसे करूँगा, उसको मैं बर्न कैसे करूँगा, उसको उसका मैं पसीना कैसे निकालूँगा, क्योंकि जो रिजल्ट आए वो 24 घंटे के बाद आएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं स्नैकिंग में। स्नैकिंग मतलब 12 बजे, 12 बजे मैं कुछ नहीं खाता, ठीक है, 12 बजे मैं सो रहा होता हूँ या तो अपने दोस्तों से बात कर रहा होता हूँ। अब आते हैं लंच में। लंच मेरा होता है 3 बजे तक, और ब्रेकफास्ट मेरा होता है 9-10 बजे तक। तो इतने टाइम पीरियड का गैप मेरे को आसानी से मिल जाता है, ताकि मैं अपना हैवी ब्रेकफास्ट जो है वो कवर कर सकूँ, बर्न कर सकूँ किसी तरह, समहाउ, बाय रनिंग, बाय जॉगिंग, बाय मेकिंग वीडियोज़ फॉर यू एंड सो ऑन। सो इन लंच मैं खाता हूँ, आपका डिपेंड करता है जो घर में बना है, जैसे घर में बनी है चाम्पे या चिकन या प्रॉन्स या फिश या दाल मखनी या चिकन, या मैं कहीं बाहर हूँ, या बर्गर, या लेट लंच भी अगर होता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं हैवी खाऊं, लाइट ना खाऊं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप हैवी खाओगे तो डिनर आपका स्किप होगा, तो आप एक गिलास दूध पी के भी काम चला सकते हो डिनर में, क्योंकि आपका जो रिजल्ट निकलेगा 24 आवर्स में वो आपका अच्छा निकलेगा, और आपका जो प्रेशर होगा, जो आपने बिल्ड किया है, जो आपने स्टोर किया है ब्रेकफास्ट से, लंच से, डिनर से, वो आपका जल्दी से जल्दी फ्लश ऑफ होगा। तो ये थी मेरी डाइट, मेरी पर्सनल डाइट। फॉलो करना है तो करो, नहीं करना है तो अप टू यू। दोबारा बता दूँ, मैं कोई स्टेरॉइड नहीं लेता, मैं कोई प्रोटीन शेक नहीं लेता, मैं कोई आफ्टर प्रोटीन नहीं लेता, मैं इन सब से कोसो दूर हूँ। जी हाँ, आपको भी दूर होना चाहिए, दोबारा कह रहा हूँ, आपको भी दूर होना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने ले लिया तो 3 चीज़ हो सकती है या होगी। मॉम डैड का पैसा, ठीक है, आपका टाइम और आपका करियर, दोनों वेस्ट होगा इसमें। हाँ, और अगर लोगे तो प्रॉपर RNP करके देना। शब खैर, बाय बाय।